हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GSM ओरियन और मैं हूँ आकाश और लेके आए हैं फिर एक नई वीडियो, टेक्निकल वीडियो। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में आगे। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जियो ने अपना फीचर फ़ोन लॉन्च कर दिया है कल, तो आपने वीडियोस वगैरह काफ़ी देख ली होंगी जिसमें उन्होंने जल्दी जल्दी काफ़ी बताया है आपको। और एक मैंने वीडियो देखी जिसमें किसी यूट्यूबर ने बोला कि उसमें मोज़िला का ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे टेक्निकली इस डिवाइस के बारे में। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसमें मोज़िला का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ सकता क्योंकि मोज़िला ऑफिशियली क्लोज कर चुका है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी डिवाइस को देने के लिए। अनऑफिशियली आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्मार्टफोन जो आए हैं मोज़िला ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स टच वाले थे। तो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें मैंने देखा कि एक छोटा सा फ़ोन है जिसमें उन्होंने बताया कि फायरफॉक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो शायद उसको देखकर, क्योंकि जो लीक आए थे पहले जियो फ़ोन के, वो फ़ोटो और वीडियो ऑलमोस्ट सिमिलर फ़ोन की हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने, उस यूट्यूबर ने बोल दिया कि हाँ हो सकता है कि जी ये फायरफॉक्स पे आए, पर बहुत मुश्किल है क्योंकि फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है, कोई अपडेट नहीं है, आउटडेटेड है और ऑफिशियली क्लोज है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे अपने जियो स्मार्टफोन या फीचर फ़ोन, स्मार्ट कम फीचर फ़ोन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये जो डिवाइस अंबानी जी ने लॉन्च किया है, तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी, उसके फीचर देखे, तो मेरे को खुद लगा कि यार मैं ये डिवाइस लूँ, एक सब्स्टिट्यूट डिवाइस जिसमें मेरा नंबर कोई ऐसा नंबर चलता है कि मैं व्हाट्सएप वगैरह नहीं यूज़ करता पर 4G है, तो या फिर मैं अपना जियो का जो नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो इसकी फीचर है, जैसे आपको पता है वोल्टी डिवाइस है, उसके बाद बैंक पेमेंट्स, UPI पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड आप ऐड कर सकते हो उसमें अपना, उसके बाद टैप एंड गो पेमेंट्स, जैसे सैमसंग हमें देता है सैमसंग पे, वैसे इन्होंने जियो में वो टैप एंड गो NFC पेमेंट दे दी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बैंक का, जैसे इसमें हो गया बैंक का अकाउंट लग गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड आप लगा सकते हो, OTA अपडेट्स ऑन द एयर या सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आती हैं किसी भी फ़ोन की, तो इसमें इस फीचर फ़ोन में आएंगी। जैसे पहले नोकिया अपने सीरीज 40 और सीरीज 60 डिवाइसेस में देता था OTA, तो कहीं ना कहीं अगर देखें हमारे दिमाग में आता कि ये एक फीचर फ़ोन है, मगर जो फीचर इन्होंने दिए ऑलमोस्ट स्मार्टफोन वाले दे दिए हैं। तो इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, कौन सा चिपसेट हो सकता है, जो कि हमारा आज का मेन मुद्दा है बात करने का, कि हम प्रेडिक्शन लगाएंगे कि वो उसमें जो हार्डवेयर होगा कौन सा होगा, अगर सॉफ्टवेयर हो सकता है तो कौन सा हो सकता है। पहले हम बात करेंगे जो जियो का एक फ़ोन लीक हुआ था पीछे, अपना मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, और जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी, दोनों की फ़ोटो में कंपैरिजन में आप देखिए काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है। तो जो लीक फ़ोन था दोस्तों, उसमें जो चिपसेट इन्होंने लगाया था वो था स्पेक्ट्रम का 9820, और उसके पहले लावा ने एक फ़ोन लॉन्च किया था जो बोलते थे कि फीचर फ़ोन है और 4G कनेक्टिविटी के साथ है, वो भी स्पेक्ट्रम 9832 के साथ लॉन्च किया था। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना उसे। उसके बाद अगर हम बात करें लावा M1 की, जो उन्होंने उसके फीचर दिए हैं, और जियो का जो फ़ोन इन्होंने अभी लॉन्च किया उसके फीचर में और जियो फोन में काफ़ी अंतर है। जियो फीचर फ़ोन ऑलमोस्ट एक स्मार्टफोन है, और जो लावा का है वो फीचर फ़ोन ही है, वो ड्यूल सिम है, 2G 3G सपोर्ट करता है। अभी जियो का फ़ोन 2 SIM आएगा, जैसे इन्होंने लाइफ के फ़ोन दिए थे एक 4G और 2G कनेक्टिविटी के साथ, तो वो कैसे आएगा अभी इतना क्लियर नहीं है, पर ये इतना श्योर है कि उसमें 4G होगा। तो दोस्तों अगर 4G होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे, एक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर उसका हार्डवेयर जो डिवाइस का 4G है, तो प्रोबेबली उसमें जो चिपसेट लगा होगा वो 4G वोल्टी इनेबल्ड और इनबिल्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ
काम करने वाला होना चाहिए कि जो कमांड्स वोल्टी की आती जाती हैं उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल हो। जैसे अगर हार्डवेयर कंपैटिबल होना चाहिए तो उसी के साथ सॉफ्टवेयर भी कंपैटिबल होना चाहिए। जो मेरे को लगता है, मैंने अभी थोड़ा सा देखा, रिसर्च किया, तो क्वालकॉम ने पीछे अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 205, जो उन्होंने बोला है कि सस्ते फ़ोन होंगे, जो फीचर फ़ोन होंगे आएंगे उनमें ये प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। तो अभी रिलायंस जियो ने भी अपना फीचर फ़ोन लॉन्च कर दिया है, तो जैसे अगर हम इसकी फीचर क्वालकॉम प्लेटफॉर्म 205 और जियो के प्लेटफॉर्म को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो हमें काफ़ी लगता है कि हो सकता है कि जियो फ़ोन में क्वालकॉम का 205 या 210 अगर इनका वो अवेलेबल है तो वो आएगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली 205 के ऊपर आने के चांसेस पूरे हैं। देखिए जियो डिवाइस की आपने वो, मैं आपको साइड में सारी दे रहा हूँ स्पेसिफिकेशन, और अब आप देखिए, आपको दिखाऊंगा मैं क्वालकॉम 205 की स्पेसिफिकेशन। जो क्वालकॉम 205 सीपीयू है या चिपसेट है, ये जीपीयू के साथ काम करता है, जीपीयू इसमें होता है एड्रीनो 304। उसके बाद इसका जो मॉडल नेम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X5LTE मॉडम। और अगर डाउनलोड और अपलोड इंटरनेट वोल्टी की स्पीड की बात करें तो 150 MB डाउनलोड और 50 MB अपलोड है। ये जो चिपसेट है 2G 3G 4G दो तीनों पैटर्न के ऊपर काम करता है, 4G वो LTE SRVCC 3G 2G सभी नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे लाइफ के पहले फ़ोन डबल सिम आए हैं, एक में 4G पड़ जाती है, दूसरे में 2G, हो सकता है ये फ़ोन वैसे ही हो। अगर इसमें ये प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हैं तो वो लोग डबल सिम भी बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म दोनों टाइप के नेटवर्क को, ऑलमोस्ट सभी तरह के नेटवर्क को सपोर्ट करता है, इंक्लूड वोल्टी 4G। तो VGA डिस्प्ले है, अगर आप देखोगे जियो स्मार्टफोन में क्या वो VGA डिस्प्ले आ रही है, HD वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो HD वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि जैसे अभी हम उसके ऊपर जियो TV देख सकते हैं, जियो म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉइस कमांड ऑलमोस्ट जैसे आपने देखा कि सिरी की तरह काम करता है। आप SMS रिप्लाई कर सकते हो, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, आप पूछ सकते हो नवरात्रे कब है, दशहरा कब है, जैसे आपने उनकी वीडियो में भी देखा है। तो इतना उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करता है, लिनक्स बेस्ड कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो अदर मोडिफाइड नेट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोडिफाइड कोई भी जो इसमें फिट हो जाए। तो अगर हम दोबारा जियो की तरफ जाएं, जियो के स्मार्टफोन की तरफ हम जाते हैं, तो दोस्तों आप देखो ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी। अभी फेसबुक तो इंस्टॉल्ड है, ये श्योर नहीं है, या हो भी सकता है, पर व्हाट्सएप की उन्होंने अभी श्योर किया नहीं होगा, और वो उन्होंने बोला है कि OTA अपडेट्स आएंगे, हो सकता है उसमें वो लोग आपको इनबिल्ट कुछ ना कुछ देते जाएं। तो अगर इस तरह का फ़ोन आता है, अगर इस तरह की डिवाइस आती है, तो प्रॉबेबली है कि उसको काम करने के लिए एक बढ़िया CPU चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बढ़िया जैसे उन्होंने दिखाया है बहुत बढ़िया काम करता है, तो उसके लिए जो पीछे हार्डवेयर यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टी नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो कमांड्स दे रहे हैं, NFC सपोर्टेड है, UPI पेमेंट, सिक्योरिटी, तो जो मेरे को नहीं लगता कि MediaTek या फिर स्पेक्ट्रम इस चीज़ में फिट बैठेंगे, क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं, ये जो वायरस हमारे फ़ोन में आती है वो भी हमारे चिपसेट के बेस के ऊपर आती है। जैसे आपने सुना कि विंडोज़ में काफ़ी वायरस आते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी कम वायरसेस आते हैं, इसी तरह जो क्वालकॉम अपने प्लेटफॉर्म देता है या चिपसेट देता है वो काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं, या फिर आप उसे फिक्स भी अपडेट्स के थ्रू कर सकते हो अगर वायरस का कुछ थोड़ा बहुत आता है। जियो दे रहा है इतने फीचर, इतनी ऑप्शंस, इतना कुछ हमें अपने फ़ोन में दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे PM है, जो उनकी एक ऐप दे रहा है जिसमें वो मन की बात प्री इंस्टॉल्ड है,
वहाँ पर जो मन की बात में वो बात करते हैं, हम लाइव स्ट्रीम बिना किसी पेज पे जाए, कहीं भी जाए वो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे पॉसिबल है एक इतने छोटे फीचर फ़ोन में इतना कुछ? वही हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है, ये फ़ोन क्वालकॉम 205 प्लेटफॉर्म के साथ आ सकता है, या फिर जो स्पेक्ट्रम का आपको अभी बताया 9820, उसका जो 9832 चिपसेट है उसके साथ। पर फिर मैं वही बात कहूँगा कि मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम इतने सिक्योर चिपसेट नहीं है जितना क्वालकॉम, अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो यही मैं आज आपसे बात करना चाहता था, अगर मेरे मन में है, मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी मेरे से पूछा कि यार क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है कि अगर ये डिवाइस आती है जब लॉन्च होगी तो 15 अगस्त को मेरे ख्याल से ये प्री उसका टेस्टिंग वगैरह चालू होगी, या फिर ये अपने टेस्टर्स को देंगे, उसके बाद ये सितंबर में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये अभी तक इतना श्योर नहीं है, पर ऑनलाइन का तो ऑलमोस्ट श्योर है। तो वही बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो ये डिवाइस आएगी एक बढ़िया हार्डवेयर और बढ़िया सॉफ्टवेयर के साथ आएगी, और पॉसिबल है कि जैसे हमने उन्हें बात करते सुना कि उनकी डेवलपमेंट अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी इसकी अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट श्योर है कि ये डिवाइस एक बढ़िया हार्डवेयर के साथ आएगी, और जो हार्डवेयर अभी हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू जो हम देखते हैं जो हमारे नज़दीक आसपास है, तो वो क्वालकॉम 205 स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म हो सकता है। और देखते हैं आगे कैसे होगा, कि हमारी प्रेडिक्शन कैसे रहेगी कि इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा या फिर कुछ और। मैं अभी अपनी और रिसर्च जारी रख रहा हूँ आगे, तो देखता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस वीडियो का मैं पार्ट टू बनाऊँगा और आपको उसमें भी बता दूँगा डिटेल वाइज। यहाँ पर हम एक साइड में क्वालकॉम को रखेंगे, दूसरी साइड में दूसरे प्रोसेसर्स को रखेंगे, और फिर उसे कंपेयर करेंगे कौन सा आ सकता है दो, या फिर हम उन तीनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर करें उसकी हर एक चीज़ को, क्या क्या वो सपोर्ट कैसे करता है, और जो जियो हमें दे रहा है तो कौन सा प्लेटफॉर्म पॉसिबल होगा आने के लिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो ऑलमोस्ट आज की हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या हमारी दूसरी वीडियोस नॉलेज के लिए आपके लिए बढ़िया है, आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, इससे हमें और भी ज़्यादा खुशी और प्रोत्साहन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो ख़त्म होती है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कमेंट करना मत भूलिए, अपने रिव्यू अपने सुझाव हमें दीजिए, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्त के साथ जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी। मैं आकाश और आप देख रहे हैं GSM ओरियन।